नमस्कार, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ जन संदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 1 लाख के नामी बदमाश विजय प्रजापति को मार गिराया है। मृतक बदमाश विजय प्रजापति गगहा के चर्चित काजल सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। गोरखपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि गुरुवार देर रात चेकिंग चल रही थी। इस दौरान विजय प्रजापति के संभावित ठिकाने पर जब पुलिस टीम पहुंची तो विजय ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगा। ऐसे में पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा भाग गया। घायल बदमाश को अस्पताल लाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उसकी शिनाख्त विजय प्रजापति के तौर पर हुई। बदमाश के कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही बदमाश के पास से CBI और हरियाणा पुलिस का फर्जी ID कार्ड भी बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी ID कार्ड के जरिए बदमाश फरारी काट रहा था, जबकि मौके से बदमाश का एक साथी फरार हो गया। बताते चले कि पुलिस ने काजल सिंह हत्याकांड मामले में नामजद 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी विजय प्रजापति फरार चल रहा था। हालांकि बदमाश की गिरफ्तारी के लिए ADG ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। गौरतलब है कि गगहा थाने के हिस्ट्री शीटर विजय प्रजापति ने पैसों के लेन देन के विवाद में गगहा थाना के भलवान इलाके की काजल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि काजल अपने पिता की पिटाई का वीडियो बना रही थी, इसको लेकर विजय ने उसे गोली मार दिया था। इलाज के दौरान उसकी KGMC में मौत हो गई। उसको पकड़ने के लिए AGD ने वांछित की गिरफ्तारी को लेकर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। अपने शहर की तमाम अपडेट के लिए बने रहे जन संदेश टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।